हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। सो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल, कब हमें चीजों को जोड़ना होता है, कब चीजों को मल्टीप्लाई करना होता है, दैट इज एडिशन प्रिंसिपल एंड मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। ये मैंने कल आपको लास्ट लेक्चर में बताया, और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया जब भी और शब्द का इस्तेमाल हो, मैथमेटिक्स वाला और OR, तो वहां हमें समझ जाना है कि वहां हमें एडिशन करना है, और जब भी एंड शब्द का एंड का इस्तेमाल हो तो वहां मल्टीप्लीकेशन करना है। ये तो एक छोटी सी बात है ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ के हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर एडिशन होगा या मल्टीप्लीकेशन होगा, है ना। तो कल हम सारे बेसिक एस्पेक्ट इसके कवर कर चुके थे, आज कुछ क्वेश्चन के मीडियम से इस टॉपिक को हम और अच्छे से एलाबरेट करेंगे, और फिर हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट सेगमेंट पर, दैट इज परम्यूटेशन, है ना। परम्यूटेशन स्टार्ट करेंगे। अभी हमने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो इस चैप्टर का नाम है वो हमने स्टार्ट ही नहीं किया है। अभी हमने सिर्फ क्या पढ़ा है, फैक्टोरियल नोटेशन, और दूसरा टॉपिक है फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल। उसके बाद हम जाएंगे व्हाट इज एक्चुअली परम्यूटेशन एंड व्हाट इज एक्चुअली कॉम्बिनेशन। तो चलिए आज का लेक्चर होगा, तो आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बेस्ड ऑन फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन को पहले हम अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे कि क्वेश्चन चाहता क्या है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। सो क्वेश्चन बोलता है कि हाउ मेनी ऑड नंबर्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 1478। ये चार डिजिट आपको गिवन है, इन चार डिजिट का यूज करके आप कितने ऑड नंबर्स बना सकते हैं, कितने ऑड नंबर्स आप फॉर्म कर सकते हैं, और आपको एक लिमिटेशन दे रखी है, द नंबर फॉर्म शुड बी लेस देन 1000, लेस देन 1000 मतलब 999, है ना। हजार से कम क्या होता है, 999 तक। तो 999 तक आपके पास लिमिट है, 999 तक, 999 तक आप ऐसे कितने ऑड नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं इन चारों नंबर्स को यूज करके, है ना। तो 999 मुझे पता है ये मेरा रिस्ट्रिक्शन है, इससे बड़ा मैं नंबर नहीं बना सकता क्योंकि हजार से कम बना रहा है मुझे, है ना, हजार से कम यानी 999, और डिजिट जो है इनका इस्तेमाल कर, ठीक है। तो 999 तक देखो, 1 से गाड़ी शुरू होगी, 1 to 999, है ना। तो 1 से लेकर 999 के बीच में एक सिंगल डिजिट का भी ऑड नंबर मिल सकता है, दो डिजिट का भी ऑड नंबर मिल सकता है, और तीन डिजिट का भी ऑड नंबर मिल सकता है ना। तो देखिए, मुझे ऑड नंबर्स फॉर्म करने हैं, है ना, मुझे क्या फॉर्म करने हैं, ऑड नंबर्स फॉर्म करने, ठीक है। सो सबसे पहले अब मैं यहाँ केसेस बनाऊंगा, है ना, सबसे पहले यहाँ पर मैं सॉल्यूशन बनाते वक्त केसेस बनाऊंगा। सो वन डिजिट का ऑड नंबर, वन डिजिट के ऑड नंबर क्या क्या होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, लेकिन मेरे पास सोर्सेस क्या है, मेरे को बोला गया है 1, 4, 7, 8, यही चार नंबर हमको दिए गए। तो एक डिजिट के कितने नंबर हम इन चारों में से कौन कौन ऑड है, एक है और सात है, तो वन डिजिट के ऑड नंबर कितने बनेंगे, कितने बनेंगे, क्लियरली दिख रहा है, 2, दैट इज एक तो एक हो गया और एक सात हो गया, तो कितने वन डिजिट के ऑड नंबर बन गए, 2, 1 and 7। अब देखते हैं टू डिजिट के नंबर, टू डिजिट ऑड नंबर्स। सो टू डिजिट के ऑड नंबर्स तो देखिए, मैं पहले तो यहां टू डिजिट ऐसी होती है ना, जैसे टू डिजिट कहां से होगी, 1 मतलब 10 से लेकर 99 तक, 10 से लेकर 99 तक क्या होते हैं, टू डिजिट के नंबर होते हैं। तो ये देखो, मैंने दो खाने बना दिए। अब देखिए, ऑड नंबर खत्म हमेशा कहां होगा, ऑड नंबर खत्म होगा या तो 1 पे, या तो 3 पर, या फिर 5 पर, या फिर 7 पर, या फिर 9 पर, है ना। तो आप यहाँ लास्ट पे देखो, लास्ट वाली जगह को कौन कौन भर सकता है, लास्ट वाली जगह को भरने के लिए कौन कौन है, 1 and 7, है ना। लास्ट वाली जगह कितने तरीकों से भरी जा सकती है, ये मैंने कल भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन करवाए थे, दो डिजिट के नंबर बनाने हैं हमें, दो डिजिट के ऑड नंबर इन चारों को यूज करके, है ना, इन चारों नंबर्स को यूज करके मुझे दो डिजिट के ऑड नंबर बनाने, तो कितने बना सकता हूं मैं। तो देखिए, खत्म होना चाहिए, खत्म होगा या तो 1 पे या फिर 7 पे, तो ये लास्ट वाली जगह को भरने के कितने तरीके हो गए, दो तरीके हो गए, है ना। देखिए ना, आप खुद देखिए, या तो यहाँ 1 आ सकता है या फिर 7 आ सकता है, 1
या सेवन, तो कितना हो गया, दो नंबर हो गए, है ना। और इस जगह को भरने के लिए कितने नंबर, इस जगह पे तो ये वन भी आ सकता है, फोर भी आ सकता है, सेवन भी आ सकता है और एट भी आ सकता है। तो इस जगह को भरने के चार तरीके हो गए, तो चार इंटू दो कितने हो गए, आठ, है ना। तो दो डिजिट के ऑड नंबर, दो डिजिट के ऑड नंबर, इन सारे नंबर को यूज करके आप कितने ऑड नंबर बना सकते हो, दो डिजिट के आठ नंबर बना सकते हो, है ना। जैसे कि आप देखो, 11 एक ऑड नंबर है, 17 एक ऑड नंबर है ना, 47 एक ऑड नंबर है, 81 एक ऑड नंबर है ना, 77 एक ऑड नंबर है। इस तरीके से आठ नंबर बनेंगे टोटल ऑड, है ना। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो दो डिजिट के ऑड नंबर कितने बने, तो देखो ऑड नंबर होगा तो ऑड नंबर हमेशा किससे खत्म होगा, 1, 3, 5, 7, 9। तो 1, 3, 5, 7, 9 में से मेरे पास एक और सात है, तो लास्ट वाली जगह दो तरीकों से भरी जा सकती है, और इस वाली जगह पर तो एक भी आ सकता है, चार भी आ सकता है, सात भी आ सकता है, आठ भी आ सकता है ना। तो दो डिजिट ऑड नंबर कितने बन जाएंगे, आठ बन जाएंगे। अब आते हैं तीन डिजिट के ऑड नंबर, थ्री डिजिट ऑड नंबर। तो तीन डिजिट के कितने ऑड नंबर हमें मिलेंगे, तो देखो तीन खाने बना देता हूं मैं, है ना। 1, 4, 7, 8 वही कार्ड है, ऑड नंबर किस पे खत्म होगा, या तो वन पे होगा या फिर सेवन पे होगा। तो इस वाली जगह को भरने के कितने तरीके हो गए, दो ही रहेंगे, है ना। ये वाली जगह कितने तरीकों से, चार तरीकों से, ये भी चार तरीकों, है ना। तो कितने हो जाएंगे, 4 × 4 = 16, 16 × 2 = 32। चेक कर लीजिए, है ना। तो एक डिजिट का ऑड नंबर हो गए दो, दो डिजिट के हो गए आठ, तीन डिजिट के हो गए 32। तो टोटल कितने हो गए, टोटल कितने ऑड नंबर्स हो गए, टोटल ऑड नंबर्स कितने फॉर्म हो गए, सबको जोड़ दीजिए, कितना, वन डिजिट के हुए दो, प्लस दो डिजिट के हुए आठ, प्लस थ्री डिजिट के हुए 32। तो आंसर कितना हो गया, 42। तो 42 ऑड नंबर्स, 42 ऑड नंबर 1, 4, 7, 8 को यूज करके 1000 से कम, 1000 से कम कितने नंबर आप फॉर्म कर सकते हो, इन चारों को यूज करके 42 नंबर आप ऑड नंबर फॉर्म कर सकते हो, है ना। सो आई होप समझ में आया होगा। ये हो गया वन डिजिट के ऑड नंबर, दो आएंगे या एक और सात, दो डिजिट के ऑड नंबर हमेशा ऑड नंबर खत्म किसपे होगा, या तो वन पे खत्म होगा या फिर सात पे खत्म होगा। तो लास्ट वाली जगह हमेशा दो तरीकों से भरी जाएगी, और उससे पहली वाली जगह पे तो ये चारों नंबर आ सकते हैं, है ना। इसी तरीके से तीन डिजिट वाले नंबर में भी लास्ट वाली जगह हमेशा दो नंबर, है ना, दो तरीकों से भरी जा सकती है, या तो यहाँ वन आ सकता है या फिर सेवन आ सकता है, बाकी दोनों जो है यहाँ पे चार, ये चार तरीकों से भरी जा सकती है। मतलब यहाँ इस नंबर की शुरुआत वन से भी हो सकती है, फोर से भी हो सकती है, सेवन से भी हो सकती है, एट से भी हो सकती है। हमें सिर्फ ध्यान क्या रखना है, खत्म किसको होना चाहिए, है ना। ऑड नंबर की बात हो रही है तो खत्म ऑड से होना चाहिए, है ना भाई। ऑड नंबर वही होता है ना जो 1, 3, 5, 7, 9 से खत्म, तो खत्म यानी लास्ट नंबर की इंपॉर्टेंस, ये जगह ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपने भर दिया तो इनको बहुत ही आसान चीज है ना, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो टोटल हमने देखा, वन डिजिट के दो नंबर, दो डिजिट के आठ नंबर, और तीन डिजिट के 4 × 4 = 16, 16 × 2 = 32, है ना। तो टोटल कितने हो गए, 2 + 8 + 32, दैट इज 42। टोटल 42 नंबर और नंबर हम फॉर्म कर सकते हैं इन चारों को यूज कर। सो आई होप ये क्वेश्चन अब हमें क्लियर हो गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि कितने थ्री डिजिट के नंबर आप बना सकते हैं यूजिंग द डिजिट 01356 इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट, पहले में अलाउ कर रखा है, दूसरे में अलाउ नहीं कर रखा है। इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी करवाया था, आज फिर करते हैं। तो हमें बनाने हैं थ्री डिजिट के नंबर, इन पांचों डिजिट्स को यूज करके। अब मुझे ये पता है कोई भी नंबर जीरो से शुरू नहीं होता, 013 ये कोई थ्री डिजिट का नंबर नहीं है, ये तो टू डिजिट का नंबर है, जीरो से शुरुआत थोड़ा ना होती है, ये तो टू डिजिट, ये तो सिर्फ मात्र क्या है, 13 है, तो ये तो टू डिजिट का नंबर है, हमें तो थ्री डिजिट के नंबर बनाना है। तो आप देखो खुद अपने मन से भी करो यार, थ्री डिजिट के कितने नंबर, बहुत सारे बन सकते हैं, 130 बन सकता है, 135 बन सकता है, 356 बन सकता है, 653 बन सकता है। इन सब में क्या हो रहा है, रिपीटेशन नहीं हो रहा है, कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है ना। तो इस तरीके से तो बहुत सारे नंबर बन सकते हैं। तो मेथड क्या है, अब देखिए, रिपीटेशन अलाउ कर रखा है, मतलब कोई नंबर रिपीट हो सकता है,
मुझे बनाना है 3 डिजिट का नंबर, तो तीन खाने बना देंगे आप, पहले तीन खाने बना देंगे, बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन लगा देंगे। अब देखिए 3 डिजिट का नंबर है ना, रिपीटेशन अलाउड है, तो ये वाली जगह, ये वाली जगह कितने तरीकों से भरी जा सकती है। देखो यहाँ पे जीरो नहीं आ सकता क्योंकि जीरो से कोई नंबर की शुरुआत नहीं होगी। अरे जीरो से 3 डिजिट का नंबर शुरुआत में कैसे बनेगा, अभी बताया ना मैंने 0 1 3, ये कोई 3 डिजिट का नंबर थोड़ा ना है, ये तो 2 डिजिट का नंबर है, क्योंकि जीरो से शुरुआत, ये तो मात्र 13 ही नंबर है ना, तो जीरो से शुरुआत नहीं हो सकती, तो यहाँ जीरो पे नहीं आ सकता, 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है ना। तो इस जगह को कितने तरीकों से भरा जा सकता है, इस जगह को 4 तरीकों से भरा जा सकता है। अब आई ये जगह, अब इस जगह पे 0 आ सकता है, देखो 103, इन 5 की यूज करके 3 डिजिट का एक नंबर 103 तो है ना, इसी तरीके से 105 भी एक नंबर है, 150 भी एक नंबर है 3 डिजिट का है ना। तो इस जगह पे कितने, ये जगह कितने तरीकों से भरी जा सकती है, ये जगह कितने तरीकों से भरी जा सकती है, इस जगह पर 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, रिपीटेशन अलाउड है, तो ये जगह 5 तरीकों से भरी जा सकती है। सिमिलरली कोई भी 3 डिजिट का नंबर 0 पे खत्म हो सकता है ना, 650 है ना, 660 इस तरीके से, तो ये जगह भी कितने तरीकों से भरी जा सकती है, इस जगह पे भी 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, तो ये जगह भी 5 तरीकों से भरी जा सकती है, रिपीटेशन अलाउड है, तो 4 5 20 20 5 100, तो 100 आंसर हो जाएगा। अब देखिए रिपीटेशन जब अलाउ नहीं है तो थोड़ा सा अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालना है, ज्यादा नहीं। यहां पर देखो शुरुआत तो क्या होगी, 0 से 0 तो नहीं आ सकता है ना, शुरुआत 0 से नहीं हो सकती, तो इस जगह को भरने के कितने तरीके हो गए, इस जगह को भरने के 4 तरीके हो गए है ना, इस जगह को भरने के 4 तरीके हैं, यहाँ पे 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। अब रिपीटेशन नॉट अलाउ है ना, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो अब देखिए जैसे ही मैंने ये जगह फिक्स कर दी, अगर मैंने ये जगह फिक्स कर दी मतलब यहाँ पर इन चारों में से कोई एक तो बैठ गया है ना भाई, भरने के तरीके कितने हैं, 4 है, 4 तरीकों, मान लो उसमें से कोई एक जगह बैठ गया, एक बैठ गया या 3 बैठ गया, 5 बैठ गया, 6 बैठ गया, कोई भी एक बैठ गया, तो कितने बचे अब, कोई भी एक फिक्स हो जाएगा तो अब कितने बचेंगे मेरे पास, 4 तो बचेंगे, किसी एक को मैंने फिक्स कर दिया तो 5 में से एक खत्म, तो बचे कितने, 4, तो ये वाली जगह कितने तरीकों से भरी जा सकती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर 3 लेटर वर्ड 1 से शुरू हो रहा है तो अब यहाँ पे 1 नहीं आ सकता है ना, देखो अगर मैं रिपीटेशन अलाउड नहीं है मतलब मुझे ऐसे नंबर बनाने 135 136, तो अगर मैंने 1 को फिक्स कर दिया यहाँ पे तो अब यहाँ पे 1 नहीं आ सकता है ना, तो एक नंबर कम हो जाएगा है ना। जैसे मान लो ये वाली जगह 4 तरीकों से भरी जा सकती है, 1 3 5 6, अब एक फिक्स हो गई है तो एक कम हो गया, अब ये वाली जगह कितने तरीकों से भरी जाएगी, इसमें से एक कम कर दो अब 0 तो आ सकता है, तो ये जगह भी 4 तरीकों से भरी जा सकती है, ठीक है ना, ये वाली जगह 4 तरीकों से भरी जाएगी क्योंकि 0 से शुरू नहीं होगा, 1 3 5 6 कोई भी आ सकता है, जैसे ही कोई फिक्स हो गया, मान लो एक फिक्स हो गया है ना, तो अब कितने बचे, 0 3 5 6, तो ये जगह 4 तरीकों से भर जाएगी है ना। अब दो नंबर फिक्स हो गए, एक यहाँ फिक्स हो गया और एक यहाँ फिक्स हो गया, अब कितने बचे, ये वाली जगह 3 तरीकों से भरी जाएगी, तो टोटल कितना हो गया, 4 6 16 16 48, तो 48 3 डिजिट के नंबर ऐसे बन सकते हैं जिसमें रिपीटेशन नहीं होगा, और 100 ऐसे लेटर्स बनेंगे, 100 ऐसी डिजिट बनेंगी, 3 डिजिट ऐसी जिसमें रिपीटेशन होगा। जैसे मैं बहुत सारे नंबर आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे मान लीजिए 130 130 एक ऐसा नंबर है 3 डिजिट का जिसमें रिपीटेशन अलाउ नहीं हो रहा है ना, यानी उन 48 में से एक है 130, ठीक है। अब ये देखो 48 नंबर बनाने थोड़ा ना बैठूंगा मैं आपको एक एक करके, इसी तरीके से 100 ऐसे नंबर आएंगे जिसमें रिपीटेशन अलाउ होगा, ठीक है, आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये है फंडा रिपीटेशन एंड नॉन रिपीटेशन का, अलाउ है रिपीटेशन तो ये जगह 0 से शुरुआत नहीं होगी, तो ये 4 तरीकों से, ये 5 तरीकों से, ये 5 तरीकों से है ना, when repetition is allowed, when repetition is not allowed, तो ये जगह 4 तरीकों से भरी जाएगी, ये जगह भी 4 तरीके से, क्योंकि 0 से शुरुआत नहीं होगी यहाँ पे, तो 0 से शुरुआत नहीं होगी तो 1 3 5 6 कुछ भी आ सकता है ना। अब जैसे ही नॉट अलाउड है क्योंकि डिजिट रिपीट नहीं हो सकता, तो जैसे ही इन चारों में से कोई एक फिक्स हो गया
एक फिक्स हो गया, मान लो वन फिक्स हो गया तो कितना बचा, 3560, ये जगह चार तरीकों से बन जाएगी, है ना। अब इन चारों में से भी 3560 में से कोई एक फिक्स हो गया तो आप कितने बचे, तीन नंबर, ठीक है, है ना। सो आई होप अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा आपको, रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड, है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन। तो तीन डिजिट के 100 नंबर बनेंगे जिसमें अलाउड होगा और 48 बनेंगे नॉट अलाउड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह ही इसका पैटर्न भी सेम है। अब आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है कितने 5 डिजिट के नंबर आप फॉर्म कर सकते हो, 5 डिजिट के कितने नंबर आप बना सकते हो इन नंबर्स को यूज करके, 0, 1, 2, 3, 4, 5 को यूज करके। और कंडीशन लगा दी है यहाँ पर कि वो जो 5 डिजिट के जो नंबर आप फॉर्म कर रहे हो वो किससे डिवाइड होने चाहिए, 5 से डिविजिबल 5 से उनका डिवाइड होना चाहिए, मतलब 5 का भाग उनमें लगना चाहिए, है ना। तो देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, अब मुझे पता है 5 से उन्हीं का भाग लगेगा जो खत्म किसपे होगा, खत्म या तो वो 0 पे होना चाहिए या 5 पे होना चाहिए, है ना। आपने कभी देखा है क्या 32 5 की टेबल में आता है, नहीं आता है। 33 आता है क्या, नहीं आता है। 35 आता है, हाँ आता है, क्योंकि ये 5 पे खत्म होता है। 30 आता है, हाँ ये भी आता है क्योंकि ये 0 पे खत्म होता है। तो 5 से अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो वो खत्म किस पे होगा, या तो 0 पर होगा या फिर 5 से होगा, है ना, खत्म, ठीक है। मुझे बनाने हैं 5 डिजिट के नंबर, मुझे क्या बनाने हैं, 5 डिजिट के नंबर बनाने हैं इन डिजिट्स को यूज करके। तो पहले तो मैं 5 डिजिट यानी 5 खाने बना देता हूँ, ये लो, ये 5 खाने बना दिया मैंने, बीच में मल्टीप्लीकेशन आता है इस टाइप के सवालों में। अब देखिए 5 डिजिट के नंबर, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन यहाँ पर अलाउड नहीं करना काम, यानी 5 डिजिट के नंबर हमको इनको यूज करके आता है। जैसे मान लीजिए जो कि 5 के टेबल में डिवाइड हो, तो 5, 2, 3, 4, 0, ये 5 डिजिट का नंबर है, मैंने इनको यूज किया है, रिपीटेशन भी नहीं हो रहा है, आप देखो कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। तो ऐसे कितने नंबर हम बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप लास्ट को देखिए, ये लास्ट नंबर इसको कितने तरीकों से मैं भर सकता हूँ, है ना, इन 6 नंबर को यूज करके। ये लास्ट नंबर किस पे, या तो ये लास्ट नंबर 0 पे खत्म होना चाहिए या फिर 5 पे होना चाहिए। तो इस लास्ट नंबर को भरने के कितने तरीके हो गए मेरे पास, ये लास्ट नंबर कितने तरीकों से भरा जा सकता है, ये लास्ट नंबर भरा जा सकता है 2 तरीकों से, या तो ये 0 पे आ जाए या तो ये 5 पे खत्म हो जाए। तो लास्ट नंबर को भरने के तरीके हो गए 2। अब मैंने इसको फिक्स कर दिया, अब आते हैं यहाँ पर, है ना। 5 डिजिट का नंबर है, देखो कभी भी कोई भी 5 डिजिट का नंबर या कितने भी डिजिट का नंबर 0 से शुरू नहीं हो सकता, तो 0 यहाँ पर नहीं आ सकता। तो क्या यहाँ पे 1 आ सकता है, जी हाँ आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। तो इस जगह को कितने तरीकों से मैं भर सकता हूँ, 5 तरीकों से 5 वेज, है ना। तो 5 तरीकों से ये जगह भरी जा सकती है। अब 5 में से कोई एक फिक्स हो गया, है ना, यानी हो सकता है मान लो 1 फिक्स हो गया, या हो सकता है 2 फिक्स हो गया, या 3 फिक्स हो गया, या 4 फिक्स हो गया, या 5 फिक्स हो गया, कोई एक तो फिक्स हो गया। तो इन 5 में से कोई एक फिक्स हो गया तो बचे कितने, तो ये जगह 4 तरीकों से भरी जाएगी, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, है ना। तो ये जगह 4 तरीकों से भरी जाएगी, फिर ये जगह वापस यहाँ पर एक फिक्स हो गया तो ये जगह 3 तरीकों से भरी जाएगी, ये जगह 2 तरीकों से भरी जाएगी, है ना। इन सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमें आंसर मिल जाएगा। सो 5 × 4 = 20, 20 × 3 = 60, 60 × 2 = 120, एंड 120 × 2 = 240। सो 5 डिजिट के 240 नंबर आप फॉर्म कर सकते हो इन सारे नंबर्स को यूज करके, जो कि क्या हो, 5 की टेबल में डिवाइड होंगे और रिपीटेशन नहीं होगा, है ना। ये तो हो गए व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। चलिए इसमें इस क्वेश्चन को और आगे कर देते हैं, है ना। वैसे तो क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पूछा था रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, अब मैं ना यहाँ पे और रिपीटेशन अलाउ कर देते हैं तो क्या होगा, देखिए हमें कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए ना, क्वेश्चन को एक्सटेंड कर देते हैं। चलो रिपीटेशन अगर अलाउ कर दिया मैंने, ये सेकंड भाग दे दिया क्वेश्चन, ये फर्स्ट पार्ट, तो रिपीटेशन अगर अलाउ कर दिया तो क्या होगा, यही 5 पहले खाने बना दो आप, 5 डिजिट से बनाना है, ठीक है। देखो सबसे पहले लास्ट नंबर है ना, जब भी कंडीशन दे रखी हो ना तो सबसे पहले ये लास्ट नंबर दे दो। लास्ट नंबर कितने तरीकों से भरा जाएगा, ये तो वही 2 तरीके होंगे, है ना।
अब आओ यहां पर, पांच डिजिट का नंबर जीरो तो आ नहीं सकता, तो 1 2 3 4 5 ये पांच तरीकों से भरी जा सकती है। अब क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है तो यहां से जब नॉट अलाउ होता है तो एक ही कम होता जाता है, और जब रिपीटेशन अलाउ होता है तो देखो 1 2 3 4 5 इनमें से कोई भी एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, चार भी आ सकता है, पांच भी आ सकता है ना। तो ये जगह कितने तरीकों से भरी जा सकती है, शुरुआत वाली जगह पांच तरीकों से भरी जा सकती है। अब ये जगह बताइए, ये जगह में अब जीरो को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीरो बीच में तो आ ही सकता है ना यार, तो ये जगह इस जगह पे जीरो भी आ सकता है, वन भी आ सकता है, टू भी आ सकता है, थ्री भी आ सकता है, फोर भी आ सकता है, फाइव भी आ सकता है। यहाँ बीच वाली बात नहीं है, यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है, तो ये छह के छह नंबर आ सकते हैं यहाँ पर, तो ये जगह छह तरीकों से भरी जा सकती है। सिमिलरली ये देखो मैं ये कर रहा हूँ रिपीटेशन इज अलाउड, दोनों में फर्क समझो आप, जब रिपीटेशन नॉट अलाउड था तो ऐसा था, अब मैं रिपीटेशन अलाउ कर रहा हूँ तो ऐसा हो रहा है ना। ये जगह छह तरीकों से, सिमिलरली ये जगह भी छह तरीकों से, ये जगह भी छह तरीकों से है ना, रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड है। तो आंसर कितना हो जाएगा, आई होप समझ में आ रहा होगा, मैं वापस बता देता हूँ एक बार, ये तो हो गया रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ये तो बहुत सिंपल था, ये समझ में आ गया होगा। रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन अगर अलाउड है तो देखो लास्ट नंबर को हमेशा दो ही तरीकों से भरा जाएगा, शुरुआत वाला नंबर पांच, ये और ये तो कॉमन है, ये दोनों मसाले तो कॉमन है ना, बीच वाला काम है। ये वाली जगह कितने, सेकेंड वाली तो प्लेस है, सेकेंड वाली जब प्लेस को कितने तरीकों से भरा जा सकता है अगर रिपीटेशन अलाउड है तो फिर तो यहाँ जीरो भी आ सकता है, पांच डिजिट का ये नंबर है ना, देखो मान लो 500 10, ये भी है ना रिपीटेशन अलाउड है, यह है पांच डिजिट का नंबर। इसी तरीके से 23005 ये भी एक पांच डिजिट का नंबर है जिसमें रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउ हो रहा है। देखो 200 दो बार रिपीट हो रहा है, 000 रिपीट हो रहा है, तो इसी तरीके से ऐसे कितने नंबर हम बना सकते हैं जिसमें रिपीटेशन अलाउड है। तो ये हो गया सीक्वेंस, तो अब इसको कर दीजिए 5 into 6 30 हो जाएगा, और 30 into 2 अच्छा कर देते हैं 6 6 36 36 6 216 216 by 10 is equals to 2160 है ना। तो ये हो गया रिपीटेशन अगर अलाउड है तो ऐसे 2160 पांच डिजिट के नंबर आप बना सकते हो जब रिपीटेशन अलाउड है, मतलब इस तरीके के इस टाइप के कितने नंबर मिल सकते हैं मुझे 2160 है ना, ये तो मैंने दो ही बनाया, इस तरीके से 2160 नंबर आप बना सकते हो है ना जिसमें रिपीटेशन अलाउड है, ठीक है। और बिना रिपीटेशन के पांच डिजिट के नंबर जो पांच टेबल में डिवाइड हों वो कितने बन सकते हैं 240 है ना। फॉर एग्जाम्पल 42150 ये एक ऐसा नंबर है जिसमें डिजिट रिपीट नहीं हो रही है ना, यानी ये इसके केस में। और भी बहुत सारे नंबर आप देख सकते हो इन पांचों को यूज करके जिसमें रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, और ये हो गया रिपीटेशन इज अलाउड। सो आई होप अब ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपको क्लियर धीरे धीरे होने लगे होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म विद द डिजिट 0 1 2 5 7 8, इन छह डिजिट्स को यूज करके आप कितने नंबर फॉर्म कर सकते हो 13 से 1000 के बीच में, वो नंबर होने चाहिए इफ डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। अच्छा 13 से 1000 के बीच में कौन कौन आता है, 14 15 16 17 एंड सो ऑन टिल 999 है। तो मैं ये तो समझ गया 13 से लेकर 1000 के बीच में दो डिजिट के भी नंबर आते हैं एंड तीन डिजिट के भी नंबर आते हैं, तो मुझे यहाँ दो केसेस बनाने पड़ेंगे। पहले तो 13 से लेकर 1000 के बीच में, अच्छा कुछ ये भी दे रखा है कि डिजिट्स कैन बी रिपीटेड है ना। तो पहले देखो यहाँ पर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं होगा कि आपने फॉर्मूला लगाया और आंसर पाया, यहाँ आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंगली आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा है ना, थोड़ा लॉजिकल चैप्टर है ना, तो रटने वाला मामला नहीं है यहाँ पर, यहाँ आपको थोड़ा सा समझना होगा। तो अगेन बता देता हूँ 13 से 1000 के बीच में कौन कौन आते हैं, 14 15 16 17 18 से लेकर 999 999 तक है ना। अब मैंने ये तो चीज इतना तो मेरा दिमाग चलता है कि 14 से लेकर 999 के बीच में दो डिजिट के भी नंबर आते हैं एंड थ्री डिजिट के भी नंबर आते हैं, वन डिजिट का तो नहीं आता है और फोर डिजिट का भी नहीं आता है, तो मुझे दो केसेस बनाने हैं। दो केसेस कौन कौन से, एक तो ये बना रहा है कि दो डिजिट के कितने नंबर बना सकता हूँ रिपीटेशन अलाउड हो तो, और तीन डिजिट के कितने नंबर बना सकता हूँ रिपीटेशन अलाउड, दोनों निकालूंगा दोनों को जोड़ूंगा मेरा आंसर आ जाएगा है ना, रिपीटेशन अलाउड कर रखा है।
तो सबसे पहले तो केस वन बनाते हैं हम यहाँ पर, केस वन, ये सॉल्यूशन। पहला केस, दो डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर्स, टू डिजिट नंबर्स, तो ये दो खाने बना देते हैं, बीच में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दो डिजिट के नंबर, इन सबको यूज करके मैं कितने बना सकता हूँ। जैसे मान लो रिपीटेड डिजिट कैन बी रिपीटेड, तो दो डिजिट के आप खुद सोचो भाई 14 से लेकर 99 के बीच में कितने दो डिजिट के नंबर आते हैं, 14, 15, 16, 17, 18, लेकिन हमको इनको यूज करके करना है, तो इनको यूज करके दिख रहा है 12 भी एक नंबर होगा, 15 भी एक नंबर होगा, 57 होगा, 78 होगा, 70 होगा, है ना, 77 होगा, ठीक है, रिपीटेड है क्योंकि रिपीटेड रिपीटेशन अलाउड है। इसी तरीके से 55 भी एक नंबर है, 88 भी एक नंबर है दो डिजिट का, 77 भी लिख चुका हूँ ऑलरेडी, है ना, 10 भी है, तो हाँ, तो इस तरीके से दो डिजिट के कितने नंबर बना सकते हैं, है ना। तो देखिए वही प्रोसेस हम वही फॉलो करेंगे, ठीक है। तो देखिए दो डिजिट नंबर बनाने हैं हमें, शुरुआत कभी जीरो से तो हो नहीं सकती, दो डिजिट का नंबर जीरो से कभी शुरू होते हुए देखा है नहीं, है ना भाई, आप 08 ऐसे लिखोगे और इसको क्या दो डिजिट का नंबर बोल सकते हो? नहीं, कोई भी नंबर की शुरुआत जीरो से नहीं होती है, है ना। तो ये तो वन डिजिट नंबर है, तो सिंपली 8 है, है ना। हाँ, 80 एक दो डिजिट का नंबर बिल्कुल जीरो से खत्म हो सकता है, जीरो से शुरू नहीं हो सकता, है ना। तो बताइए दो डिजिट का नंबर है तो ये वाली जगह कितने तरीकों से भरी जा सकती है भाई? जीरो नहीं आ सकता, तो यहाँ पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, तो ये जगह 5 तरीकों से भरी जा सकती है, है ना। तो ये जगह 5 तरीकों से भरी जा सकती है। अब ये जगह कितने तरीकों से, रिपीटेशन अलाउड है, तो देखो 5 में से जब रिपीटेशन अलाउ नहीं होता था तो एक को हम फिक्स कर देते थे, तो अगले में से एक कम हो जाता था, लेकिन रिपीटेशन में ऐसा नहीं है, है ना। ये जगह 5 तरीकों से भरी जा सकती है, और इस जगह खत्म तो कोई भी नंबर दो डिजिट का जीरो पे हो सकता है ना, तो इस नंबर इस जगह पे जीरो भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है। तो ये जगह कितने तरीकों से, ये जगह हो जाएगी 6 तरीकों से। तो 5 × 6 कितना हो गया, 30, है ना। तो इन पांचों को, इन 6 डिजिट को यूज करके आप दो डिजिट के कितने नंबर बना सकते हो, 30 नंबर बना सकते हो जिसमें रिपीटेशन अलाउड है, है ना। तो ये तो हो गए दो डिजिट के। अब केस सेकंड डिस्कस करते हैं, 3 डिजिट के, है ना, केस 2, जो कि 3 डिजिट नंबर। अब आए केस सेकंड 3 डिजिट के नंबर। तो पहले 3 खाने बना लेते हैं, बीच में मल्टीप्लीकेशन, वही उसी तरीके से सोचेंगे। ये वाली जगह कितने तरीकों से भरी जाएगी, जीरो नहीं आ सकता, तो कौन कौन, 1, 2, 3, 4, 5, 5 तरीके हो गए इस जगह को भरने के। ये वाली जगह कितने तरीकों से, अब यहाँ जीरो भी आ सकता है, रिपीटेशन अलाउड है, तो 0, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 7, 8 का आ सकता है, तो ये जगह 6 तरीकों से, ये भी जगह 6 तरीकों से। तो 3 डिजिट के कितने नंबर हो गए, 5, 6, 36, 180, है ना। सो टोटल 13 से लेकर 1000 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं, ऐसे कितने नंबर आप फॉर्म कर सकते हो इन 6 नंबर को यूज करके, तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए हमारे 30 + 180, दैट इज 210। सो 210 टोटल 210 नंबर 13 से लेकर 1000 के बीच में, ऐसे 210 नंबर होंगे इन सबको यूज करके, है ना, हम बना सकते हैं। ओके, सो आई होप ये क्वेश्चन भी हमें क्लियर हो गया होगा, काफी लॉजिकल था ये, है ना। बेसिकली अगर आप क्वेश्चन समझ गए ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर आप समझ जाओगे ना फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल में, तो एक स्टेप, देखो क्या ऐसा तो है नहीं कि सॉल्यूशन में वहां से लिख रहा हूँ यहाँ खत्म हो रहा है, जैसे कि हम एरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, सीक्वेंस सीरीज, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इन सबके हमने कितने अच्छे अच्छे सवाल, कितने लेंथी सवाल किए, है ना। लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ दिमाग लड़ाना है अपना, थोड़ा सा क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन की डिमांड समझनी है, और दो स्टेप्स में आपका आंसर आता है यहाँ, है ना। केसेस बनाइए, लिखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली चलिए, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। सो आई होप अब हमें फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। अभी भी मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि आपको पूरी तरीके से समझ में आए, मैं आपको लेकिन एक चीज अश्योर करता हूँ, जैसे जैसे चैप्टर आगे जाता जाएगा आपको चीजें बेहतर तरीके से क्लियर होती जाएंगी। अभी मैं इसकी उम्मीद तो कर सकता हूँ 75% तो हमें ये समझ में आ गया होगा, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अब परम्यूटेशन स्टार्ट करेंगे, और परम्यूटेशन जैसे ही स्टार्ट करेंगे आपको इतना अच्छा लगेगा क्योंकि मैंने आपको फैक्टोरियल भी बता दिया है और मैंने आपको फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल भी बता दिया है, तो ये दोनों चीजें अब आप
75% तो आई होप समझ में आ गई होगी आपको। तो अब ये दोनों चीजें अगर हमको क्लियर है तो अब हमको ये पढ़ने में बहुत बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, परम्यूटेशन स्टार्ट करेंगे एंड बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय।